वाओ बन गया है। अब गार्निशिंग लिए डालते हैं धनिया। अब उसकी हो रही गार्निशिंग। टेस्टी खाने में आपका स्वागत स्वागत है। आज हम देसी मुर्गा बनाने जा रहे हैं। ये है देसी मुर्गा और वो भी खेतों में बनाया जा रहा है। बनाएंगे और वो कढ़ाई चिकन बनाएंगे आज। और आज हम बनाएंगे कढ़ाई चिकन। हाँ। तो कढ़ाई चिकन कैसे बनता है ये आपको ले चलते हैं, कढ़ाई चिकन बनाएंगे और आपको दिखा देते हैं कैसे बनता है। दो मुर्गे आ गए तो अब इसको अच्छी तरह से साफ करवा देते हैं। ये देशी माल है इसलिए चर्बी ज्यादा है। तो कढ़ाई चिकन की रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले प्याज को भून लेते हैं। मुर्गे हमारे बड़े हो गए और कढ़ाई जो है ना वो छोटी हो गई थोड़ी। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा लेकिन चीज बढ़िया बनेगी। नमक है उल्टा। हल्दी, ढक देते हैं। दस मिनट के लिए, दस मिनट या पांच मिनट के लिए ढक देते हैं इसको। कढ़ाई धरा मेरा वाला वाया पहला घीच रहे हैं। पानी आल पाहिजे। तो मुर्गा पक रहा तब तक हम थोड़ा सा टमाटर धो देते हैं। ये टमाटर भी हमारे घर के
मुर्गी है हमारी घर की, अब बंदे भी हमारे सब खेतों में लगे हुए हैं। तो टमाटर थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब देखते हैं पक गया क्या। ओ यह कढ़ाई चिकन पक गया है। अब इसके अंदर डालते हैं मसाले, वो भी एक जगह सारे मिक्स करके। ये कढ़ाई चिकन हमारा पक गया है और ये मसाला भी बन गया है। और ये मसाला डाल देते इसके ऊपर। इस तरह से बनाने से ना इसमें स्वाद बहुत आता है कढ़ाई चिकन में, और वो भी खेतों में इसका स्वाद दुगना हो जाता है। चूल्हे वाला वैसे भी बहुत अच्छा बनता है। और चूल्हे वाले भाकरी अब इसको 5 मिनट इसको ढक देते हैं अब, और कम आंच में। अब उसकी हो रही गार्निशन। तो एक कढ़ाई चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। तो हमारे चैनल को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब भी कर देना और ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कर लेना। लेकिन इतने क्वांटिटी में नहीं, थोड़े अपने जितने मेंबर है उतने क्वांटिटी में बनाइयो। और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनानी है ये हमें जरूर कमेंट में बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।